चौथा जो है हर चीज का मिक्सचर है। अगर आपको गाड़ी में हर चीज चाहिए, टेक भी चाहिए, दिक्कतें भी चाहिए, ठीक ठाक इंजन भी चाहिए, आप जब नई गाड़ी खरीदने जाते हो तो आपके दिमाग में हजार चीजें होती हैं जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हो जाते हो और सोचते हो कि गाड़ी खरीदे तो कौन सी खरीदे। आज हम आपको बताने वाले हैं ऐसी बातें जो आपको बिल्कुल क्लियर विजन देगी कि आपको कौन सी गाड़ी किन चीजों के लिए खरीदनी चाहिए। सबसे पहला देखो, अगर आपकी प्रायोरिटी है रिलायबिलिटी तो यार आपको सिर्फ जापानीज गाड़ियों पे ही जाना चाहिए, क्योंकि रिलायबिलिटी के मामले में चाहे मारुति हो या टोयोटा हो या होंडा हो, ये सारी कंपनियां काफी ज्यादा रिलायबल हैं और कहीं ना कहीं ऐसे आपको पीस ऑफ माइंड देगी। अब अगर आपकी प्रायोरिटी है गाड़ी के अंदर फीचर्स यानी कि टेक्नोलॉजी, तो आपको जाना चाहिए हुंडई और किया की गाड़ियों पे, क्योंकि वहां पे आपको मिलेगा भर भर के गाड़ी में टेक, यानी कि कोरियन ब्रांड्स की तरफ। अब आप सोच रहे होंगे कि यार रिलायबिलिटी हो गई, टेक्नोलॉजी हो गई, तो फॉक्सवैगन और स्कोडा कहाँ पे फॉल करती है? तो देखो, फॉक्सवैगन ग्रुप हमेशा से अपने इनोवेशन के मामले में जाना गया है, चाहे वो गाड़ियों से रिलेटेड हो या इंजन से रिलेटेड। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो इंजन से रिलेटेड। यहां पे फॉक्सवैगन और स्कोडा तब आपको कंसीडर करनी चाहिए जब आपकी प्रायोरिटी हो कार चलाना, मतलब आप काफी ऐसे कार एंथुसियास्ट हो, आप अपनी गाड़ी को ट्यून कराना चाहते हो, स्टेज वन स्टेज टू एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड आप चाहते हो कि गाड़ी से पूरा पोटेंशियल ले लो, तो वहां पे आपको फॉक्सवैगन ग्रुप की गाड़ियां कंसीडर करनी चाहिए। अब देखो यार, ये सब हो गया, एक मैंने आपको बता दिया रिलायबिलिटी, एक आपको बता दिया टेक्नोलॉजी या फीचर्स, और तीसरा मैंने आपको बता दिया इनोवेशन। चौथा जो है हर चीज का मिक्सचर है। अगर आपको गाड़ी में हर चीज चाहिए, टेक भी चाहिए, दिक्कतें भी चाहिए, ठीक ठाक इंजन भी चाहिए, रिलायबिलिटी भी ओवरऑल ठीक चाहिए कि हाँ आपको ये एश्योरेंस हो कि कंपनीज भागेंगी नहीं, तो आपको टाटा या महिंद्रा की गाड़ियां कंसीडर करनी चाहिए। अब यार आप इस पूरी वीडियो को देखने के बाद भी अगर ये सोच रहे हो कि कौन सी गाड़ी खरीदे, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम करके पता कर सकते हो कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। इवन आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो ये जानने के लिए कि आपको कौन सी गाड़ी कंसीडर करनी चाहिए। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में सेम टाइम पे, तब तक के लिए गुड बाय।